दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जा चुका है और इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। लेकिन जब साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में बेहद ही खराब रही थी, क्योंकि 7 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने क्विंटन डिकॉक को क्लीन बोल्ड मार दिया था और डिकॉक बस 5 रन बनाकर आउट हुए थे। तो वहीं इसके बाद 40 रन के स्कोर पर शहबाज अहमद ने जानेमन मलन को आउट कर दिया था और मलन 25 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर बल्लेबाज 40 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन इसके बाद रिचा हेंड्रिक्स और एडन मार्करन ने इसके बाद शानदार बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका की पूरी पारी को संभाल लिया था और ये दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और साउथ अफ्रीका की टीम को एक बड़े स्कोर की ओर लेकर जा रहे थे। जहां पहले रिचा हेंड्रिक्स ने 58 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे करे थे, तो वहीं इसके बाद एडन मार्करन ने भी 64 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे और ये दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 129 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर डाली थी और साउथ अफ्रीका की टीम को काफी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन तभी 169 रन के स्कोर पर इस पार्टनरशिप को मोहम्मद सिराज ने तोड़ते हुए रिचा हेंड्रिक्स को आउट कर दिया और रिचा हेंड्रिक्स 76 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने हेनरी क्लासन उतरे और क्लासन पिछले मैच की तरह इस मैच में भी शानदार बल्लेबाजी करने लगे थे और उन्होंने एडन मार्करन के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका का स्कोर भी 200 रन के पार पहुंचा दिया था। जहां भारतीय टीम को इस पार्टनरशिप को तोड़ने की जरूरत थी, क्योंकि ये पार्टनरशिप खतरनाक होती जा रही थी और तभी 215 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को बैक टू बैक दो बड़े झटके लगे। जहां पहले हेनरी क्लासन को कुलदीप यादव ने आउट करा और क्लासन 26 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए थे, तो वहीं इसके बाद अगले ही ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने एडन मार्करन को आउट कर दिया और मार्करन 79 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। तो वहीं इसके बाद एक तरफ डेविड मिलर काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 256 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को छठा झटका शार्दुल ठाकुर ने देकर वेन पारनेल को आउट कर दिया और पारनेल 16 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं इसके बाद आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज ने केशव महाराज को क्लीन बोल्ड मार दिया और महाराज 5 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 278 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। जहां साउथ अफ्रीका की तरफ से डेविड मिलर 35 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज को 3 विकेट हाथ लगी। तो वहीं अब भारतीय टीम को ये दूसरा वनडे मैच जीतने के लिए 289 रन बनाने थे और जब इसके बाद भारतीय टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनको पहला झटका ही 28 रन के स्कोर पर वेन पारनेल ने देकर शिखर धवन को क्लीन बोल्ड मार दिया था और धवन 13 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ शुभमन गिल तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 48 रन के स्कोर पर कगिसो रबाडा ने उन्हें भी आउट कर दिया और शुभमन गिल 28 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद भारतीय टीम की पारी को संभालने के लिए एक अच्छी पारी की जरूरत थी और इसके बाद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन पारी खेलकर जहां तीसरे विकेट के लिए 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप कर ली थी, तो इसी बीच ईशान किशन ने 60 गेंदों में अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। तो इसके बाद ही 48 गेंदों में श्रेयस अय्यर ने भी अपने 50 रन पूरे कर डाले थे और ये दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, जिससे इस मैच में भारतीय टीम का दबदबा पूरी तरह देखने को मिल रहा था। और इसके बाद तो ईशान किशन और भी तगड़ी बल्लेबाजी करने लग गए थे, जहां इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 161 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप करके भारतीय टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया था। और जब इसके बाद ईशान किशन अपने व्यक्तिगत स्कोर 93 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी वो गलत शॉट खेल बैठे और फॉर्ट्यून की गेंद पर 84 गेंदों में 7 छक्के 4 चौकों की मदद से 93 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने संजू सैमसन उतरे थे और सैमसन काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके 103 गेंदों का सामना करने के बाद 14 चौकों की मदद से अपने शतक पूरा कर डाला था और इसके बाद भारतीय टीम जीत के काफी करीब पहुंच गई थी। और इसके बाद भारतीय टीम ने ये मैच बड़े आराम से ही 46वें ओवर में ही जीत लिया था, जहां भारतीय टीम की तरफ से श्रेयस अय्यर 113 रन बनाकर नॉट आउट रहे, तो वही संजू सैमसन भी 30 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। और इसी के साथ भारतीय टीम ने दूसरा वनडे मैच 7 विकेट से जीतकर इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है।